साल 2024 यूक्रेन के लिए एक बड़ी आफत बनकर आया है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिकी फंड की आस लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ युद्ध में यूक्रेनी सेना को झटके पर झटके लग रहे हैं। साल के पहले ही दिन से यूक्रेन के लिए कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो उसकी ताकत को और बढ़ा सके। उल्टा रूस के एक के बाद एक हमले से यूक्रेन कमजोर होता जा रहा है। यूक्रेन हथियारों और सैनिकों की कमी से जूझ रहा है, वहीं आसमान में भी यूक्रेनी सेना लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और उसके मौजूदा हथियार रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल नीदरलैंड और डेनमार्क ने अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन को लड़ाकू जहाज F-16 देने का वादा किया था और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने इन दोनों देशों की न सिर्फ यात्रा की थी बल्कि F-16 की सवारी भी की थी और डेनमार्क की तरफ से यूक्रेन को 6 F-16 लड़ाकू जहाज नए साल के मौके पर मिलने वाले थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि F-16 यूक्रेन के लिए दूर का सपना साबित हो रहा है, क्योंकि डेनमार्क के अखबार बर्लिंस्के ने अपनी एक रिपोर्ट में डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि यूक्रेन को F-16 मिलने में 6 महीने की देरी होगी। ये जेट यूक्रेन को साल 2024 की दूसरी छमाई में मिल सकते हैं और इस खबर से यूक्रेन को एक तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर 2023 में डेनमार्क के रक्षा मंत्री थ्रेल लुन पोलसन ने कहा था कि यूक्रेन को पहला जेट अप्रैल 2024 में मिल जाएगा और इससे पहले अगस्त 2023 में डेनमार्क की पीएम मैट फ्रेडरिक्सन ने कहा था कि प्रशिक्षण के लिए पायलटों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और नए साल के मौके पर करीब 6 एयरक्राफ्ट का पहला जत्था यूक्रेन के लिए रवाना होगा। वहीं दूसरी तरफ इन मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर डेनमार्क की सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और इसी वजह से यूक्रेनी एयरफोर्स को उम्मीद है कि उसे F-16 फाइटर जेट्स इस वसंत में मिल जाएंगे। इसको लेकर यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी एहनत ने यूक्रेनी नेशनल टेलीविजन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट देखिए, मैंने उनका कोई बयान नहीं देखा है। यूक्रेनी एयरफोर्स का कहना है कि F-16 को साल 2023 के अंत में डिलीवर करने का कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि इसके लिए कोई आधारभूत ढांचा तैयार नहीं था और पायलटों का एक समूह F-16 चलाने की ट्रेनिंग UK में ले रहा है और इसके अलावा पायलटों का दूसरा समूह अमेरिका के एरिजोना में ट्रेनिंग ले रहा है और उनकी ट्रेनिंग साल 2024 के अंत तक चलेगी। आपको बता दें कि डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम में से डेनमार्क इकलौता ऐसा देश था जिसने यूक्रेन को F-16 दिए जाने की क्लियर तारीख बताई थी, बाकी इन दोनों देशों ने डिलीवरी को लेकर समय नहीं बताया था और सबसे पहले डेनमार्क ने ही यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने की घोषणा की थी। हालांकि नॉर्वे ने यूक्रेन को 2 F-16 जेट दिए हैं जो फिलहाल डेनमार्क में हैं और यूक्रेनी पायलटों को इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है।